हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत 2022 पूजा के शुभ समय, व्रत कब खोले, जल कब ग्रहण करें, आज के दिन पूजा किसकी करें और अखंड सौभाग्य के लिए धारण की जाने वाली विशेष चीज के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जल उपवास रखकर वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत 30 मई सोमवार को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने पति सत्यवान को जीवन दान दिलाया था, इसलिए इस दिन वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। इससे महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। शास्त्रों में वट वृक्ष का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव वास करते हैं, इसलिए वट सावित्री पर सौभाग्यवती महिलाएं अखंड सुहाग के लिए मन की आकांक्षाओं का धागा वृक्ष के तने पर बांधकर आश्वस्त रहती हैं कि उनके परिवार की रक्षा त्रिदेव करेंगे। तो आइए जानते हैं वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 29 मई को दोपहर 2:54 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई को शाम 4:59 पर। पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:51 से दोपहर 12:46 तक। अब जान लेते हैं व्रत कब और कैसे खोलें। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के पारण अथवा व्रत खोलने का समय भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग इस व्रत को पूरा दिन निर्जल रहकर करते हैं, वहीं कुछ महिलाएं उसी दिन शाम के समय पूजा के बाद व्रत खोलती हैं। पंचांग के अनुसार जो महिलाएं पूरा दिन व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पारण करेंगी, उन्हें सूर्योदय के बाद रोजाना की पूजा के बाद विधि पूर्वक व्रत का पारण करना चाहिए। वैसे तो अपनी अपनी जगह की मान्यता के अनुसार व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत का पारण 11 काले चने और वट वृक्ष की कोपल खाकर ही करना चाहिए। अब जान लेते हैं पानी कब पिए। यह व्रत अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाता है। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत की पूजा करने के बाद जल ग्रहण किया जा सकता है। आप चाहें तो इस दिन पूरा दिन निर्जल उपवास रखने के बाद भी जल ग्रहण कर सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस दिन अपनी अपनी जगह और परंपराओं के आधार पर व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत में किसकी पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष सावित्री सत्यवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही जीवित किया था, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार वट वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शिखाओं में शिव जी का वास होता है, इसलिए इस दिन तीनों आराध्य देवों का पूजन भी किया जाता है। इसके अलावा वट सावित्री पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। आइए अंत में जान लेते हैं अखंड सौभाग्य के लिए क्या पहने। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करना चाहिए। आज के दिन वट वृक्ष के पत्तों की माला पहननी चाहिए या फिर वट वृक्ष के पत्तों को अपने बालों में लगाकर व्रत कथा सुननी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन वट वृक्ष के पत्ते धारण करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।